चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अच्छा, अगर देखा जाए कैराना का नाम हमेशा हाईलाइट में ही रहता है, क्या कारण उसके पीछे लगता है कि उसका नाम हमेशा हाईलाइट में रहता है? ये तो राजनीति है, खम्मे का, यहाँ सब मिलजुल कर रहे हैं हिंदू मुसलमान भाई। सड़कें हैं, नाली है, पानी है, खड़ंजे हैं, ये समस्याएँ होती हैं, और जो इन पर ध्यान देवेगा, जो इनका काम करेगा, वही चेयरमैन अच्छा होगा। हिंदू मुस्लिम सब आपस में रह के व्यापार कर रहे हैं, सब एक दूसरे से सबका काम चल रहा, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। नहीं, ये तो इनकी पार्टी की बात है, ये हमें क्या मतलब इस बात से, हमें जो अच्छा आदमी लगा उसको बोलते हैं। नमस्कार साथियों, सीसी में आप सभी का स्वागत है। हम अभी जिला शामली के कस्बा कैराना में है। कस्बा कैराना का नाम जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की रैली होती है पश्चिम यूपी में या कहीं बाहर, तो आप कैराना और कांदले का नाम जरूर सुनते होंगे। ये कैराने का मेन बाजार है। कैराना में 4 मई को वोटिंग डाली जाएंगी, नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं और बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हाल ही में जो चेयरमैन है वो हाजी अनवर है, जो कि निर्दलीय पार्टी से थे, और इस बार भी वो मैदान में है जो कि निर्दलीय से है। और यहाँ पर गठबंधन रालोद समाजवादी और आसपा का कोई भी गठबंधन प्रत्याशी नहीं है, ज़्यादातर जो है निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ अभी कुछ लोग हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर उनकी क्या राय बन रही है इस बार। जी नमस्ते, सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम ताहिर हसन। अच्छा ताहिर जी, नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं और अभी देखा जाए तो हर जगह चुनावी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार कैराना में किसका ज़्यादा समर्थन लोग कर रहे हैं? हाल ही में जो चेयरमैन है हाजी अनवर हसन, उनकी वाइफ जाकिरा हसन, वो इलेक्शन लड़ रही, निर्दलीय इलेक्शन लड़ रही, उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से कुछ चेयरमैन ने यहाँ पे जो हाल ही में जो चेयरमैन थे उन्होंने कुछ काम किया है कस्बे के लिए? सही काम किए, सही काम किए, जो काम चेयरमैनी के हिसाब में आते हैं, जो चेयरमैन को काम करने हैं, जो अपने वार्ड के महल्ले के कस्बे के हिसाब से जो काम होते हैं वो चेयरमैन ने किए हैं। अच्छा एक बात और, कैरानों को हमेशा से बदनाम किया जा रहा था, तो उसके पीछे क्या कारण है, क्यों इतना बदनाम? क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे योगी आए थे शामली में और कैराने का नाम उनकी हर रैली में कैराने का अंदले का नाम होता है, तो ऐसा क्यों? उनको तो ये मुद्दा है कैराने का, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उनको चाहिए है, और ये उनका मुद्दा अब फ्लॉप हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। पहले उनको पलायन का मुद्दा मिला, उनकी सरकार बनी, अब पिछले इलेक्शन में आपने देखा होगा विधानसभा में यहाँ हमारे गृह मंत्री भी आए, अमित शाह भी आए, योगी आदित्यनाथ भी आए, लेकिन वो हमारी जनता ने यहाँ ने उन्हें बिल्कुल जो है नकार दिया, और जो है यहाँ से दूसरी पार्टी को जिसके खिलाफ हुआ है उसी को भारी मतों से जिताया। अच्छा आप ये बताइए थोड़ा सा, नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं तो वो किन मुद्दों को लेकर होने चाहिए, क्या दिक्कतें आम जनता को होती है कि हमारे आने वाले जो चेयरमैन होंगे हमारे काम करेंगे? ये हमारे जो कस्बे की जो समस्या हैं, जैसा कि सड़कें हैं, नाली है, पानी है, खड़ंजे हैं, ये समस्याएं होती हैं, और जो इन पे ध्यान देवेगा, जो इनका काम करेगा, वही चेयरमैन अच्छा होगा। अच्छा आप थोड़ा सा ये बता दिए कि यहाँ पे कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, थोड़ा सा एक आइडिया। अगर यहाँ प्रत्याशी हैं शुरू में जाकिरा हसन हैं, उनके बाद में राशिद अली हैं, सेठ पाल जी हैं, शमशाद अंसारी हैं, और भी 2-3 हैं जो निर्दलीय हैं, वो छोटे मोटे कैंडिडेट हैं, वो भी लड़ रहे हैं। तो चुनाव इन चारों में ही है? चुनाव जो है चुनाव तो बस इन 2 में ही है समझो, राशिद अली में और जो है जाकिरा हसन। आपका नाम सर? फरहान। अच्छा फरहान जी, चुनाव है कैराने में, नगर निकाय चुनाव पूरे यूपी में है, और चुनाव कैसा रहेगा इस बार, माहौल कैसा है चुनाव का? माहौल बहुत बढ़िया है, पर जो चुनाव जाएगा हाजी अनवर पे जाएगा। जी हाजी अनवर यहाँ से अभी जो चेयरमैन है फिलहाल? जी फिलहाल जो चेयरमैन है उन्हीं पे जाएगा। तो पिछली बार भी उन्होंने चेयरमैन ही किया, क्या आपके हिसाब से उस तरीके का काम हो पाया है जैसे हम खेल के मैदान की अगर बात करें? और बहुत बढ़िया कराया है उन्होंने, जो भी कराया काम बहुत बढ़िया कराया है। आपका नाम? शुभम कामबोज। अच्छा शुभम भाई, क्या लग रहा चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव हो रहे? जी क्या लग रहा, किसे जिता रहे हो इस बार? चुनाव तो जी अच्छा चल रहा, देखो
बहुत अच्छा चुनाव है, विकास का रखा, विकास के नाम पे लोग वोट देंगे। अभी जो हाल ही में जो चेयरमैन थे हाजी अनवर जी, तो उनका काम कैसा रहा कॉलोनी में, साफ सफाई को लेकर पानी की व्यवस्था कैसी? काम बहुत अच्छा रहा, काम काफ़ी अच्छा करा उन्होंने, बहुत अच्छा काम है। तो जैसा विकास उन्होंने करा, विकास के नाम पे वोट देंगे लोग उन्हें, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, अच्छा आप ये बताइए कि नगर निकाय के जो मुद्दे होते हैं वो क्या होने चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि स्टेडियम की बात करें हम यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड की, और सफाई की किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे है? भाई ये है कि लोगों को सफाई चाहिए, मतलब साफ सफाई पूरी अच्छी हो, पानी की व्यवस्था मतलब ठीक ठाक पानी हो, यही चाहिए लोगों की। यहाँ शांति व्यवस्था हो, व्यापार आदमी व्यापारी अपना व्यापार ठीक प्रकार से कर सके। जैसा पहले गुंडागर्दी थी, अब गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो रही, लोग वहाँ आराम से अपना व्यापार कर रहे, तो भाई ये चाहिए बस, और क्या। अच्छा एक बात और बताइए, चुनाव की अगर हम बात करें, कोई सा भी चुनाव हो, अंत तक आते आते शिक्षा स्वास्थ्य और ये सब मुद्दे दब जाते हैं और सिर्फ एक मुद्दा रह जाता है हिंदू मुस्लिम का, क्या इस बार भी लोग उसी तरफ ध्यान गए या शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर वोट करेंगे? हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा देखने को है नहीं, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सब आपस में रह के व्यापार कर रहे, सब एक दूसरे से सबका काम चल रहा, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। यहाँ तो ये आपस में प्यार से रोक रह रहे, तो विकास के नाम पे वोट देंगे सब, जो काम हो रहा है उस प्रकार से वोट देना है। क्या लग रहा है चुनाव में, इस बार नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं तो किन मुद्दों पर वोट कर रहे हो इस बार? देखो यहाँ हमेशा मुद्दे तो विकास का ही होवे, विकास होवे भाई, शहर में अमन चैन होवे, सुख शांति होवे, बस और क्या हो रहा है। चैन में ऐसा बना जो भाई सुख चैन लावे, विकास लावे। अच्छा अभी जो चेयरमैन थे हाजी अनवर जी, यहाँ से जो चेयरमैन है, मतलब अभी इस बार भी वो निर्दलीय मैदान में आ रहे हैं, तो क्या उन्होंने काम कराया है, कूड़े की व्यवस्था होती है और खेल का मैदान भी मतलब चाहिए, तो उन्होंने कुछ इस तरह का काम किया है? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, क्यों करा उन्होंने काम, साफ़ सफाई का काम बहुत अच्छा रहा। वैसे भी कोई मतलब हमारे यहाँ कोई झगड़ा का हुआ मामला, उन्होंने साथ दिया, खड़े हुए, शहर में उनका अच्छा प्रभाव रहा, बहुत अच्छा प्रभाव रहा। कई बार यहाँ मामला गड़बड़ होने को हुआ, पर फिर भी उन्होंने साथ दिया शहर का, शहर में कोई ऐसी बात नहीं होती, जैसे पढ़े थे वे बहुत अच्छा काम करा। अच्छा मैं देखा है यहाँ पे रालोद समाजवादी और आसपा गठबंधन से कोई भी प्रत्याशी नहीं है, क्या कारण उसके पीछे लग रहा है? नहीं ये तो इनकी पार्टी की बात है जी, हमें क्या मतलब इस बात से, हमें तो जो अच्छा आदमी लगेगा उसको वोट देंगे, जो आदमी अच्छा होगा उसको वोट करेंगे। अच्छा यहाँ सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर चाहे समाजवादी का भी सिंबल? यहाँ सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये अपने भाजपा के अभी हमारे महल के हैं सेठ पाल सिंह भी, हमारे अजयनौर भी हमारे महल के, इसी महल के हैं, समझ सामने ये इधरे में तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। जो आदमी अच्छा है वो अच्छा खिलवा जाएगा, अच्छा है अच्छा ही रहेगा वो। और रही बात इनकी भाई, इनकी तो बाप के ज़माने से ही राजनीति है, घटेगी थोड़ा इनकी राजनीति भाई, अजय नंबर की ये जो है घटने नहीं है, या भाई इनके परिवार घटने नहीं है, चाहे निर्दलीय आ जाओ चाहे पार्टी से आ जाओ, जो इनका नाम है उनका नाम ही रहेगा भाई। जी आपका नाम? विशाल गोयल। अच्छा गोयल जी क्या लग रहा चुनाव में इस बार? हाँ सब बढ़िया हो रहा चुनाव, फर्स्ट क्लास। नहीं बढ़िया तो हो रहा है, एक रुझान तो लग ही रहा होगा भाई, किंग सारे टक्कर में भाई। हाँ सब टक्कर में, सब बढ़िया है। लेकिन अभी जो चेयरमैन थे हाजी अनवर जी, क्या उन्होंने विकास कराया है, उस तरह की सुविधाएं है अस्पतालों में? बढ़िया बढ़िया काम कर रही है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोरोना में भी बेचारे रोड पर रहे, बीमार सीमार में आदमी, हार्ट अटैक भी, वॉइस भी, छल्ले भी बढ़े, लेकिन समाज के बीच में रहे। अच्छा काम जो है किस तरीके से के होने चाहिए आपके हिसाब से, क्या मुद्दे नगर पालिका के चुनाव में उठने चाहिए? बस सब काम बढ़िया हो रहा, स्टेप पर खेल का मैदान होना चाहिए एक बढ़िया, वो नहीं है, स्टेडियम नहीं है यहाँ कैराना में, क्रिकेट की प्रतिभा बहुत ज़्यादा है, अब मैदान ना होने के कारण सब मामला ख़राब हो रहा। अच्छा अगर देखा जाए कैराना का नाम हमेशा हाईलाइट में ही रहता है, क्या कारण उसके पीछे लगता है कि उसका नाम हमेशा हाईलाइट में रहता है? ये तो राजनीति है खम्मे का, यहाँ सब मिलजुल कर रहे हैं हिंदू मुसलमान भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, जब से योगी सरकार आई और बढ़िया हो गया, जब से योगी सरकार आई जब से तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
अच्छा विशु भाई, क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? बस लग तो युवराज ही, देखो रेस के मैदान में हजारों प्रतिद्वंदी भागे, मेहनत भी सभी करे लेकिन जीतते तो एक ही। अब मेहनत सब कर रहे चारों के चारों, जीतेगा एक ही जिसको पब्लिक चाहेगी। जो काम कर रहा काम वैसे चल रहा ही करे, बस जिसको 36 बिरादरी चाहेगी 36 बिरादरी गिरेगी वो जीत जाएगा, और जीतने में क्या, बस यही है। नहीं विकास हो रहा है जो अभी जो चेयरमैन थे, क्योंकि भाई आज देखो लोकतंत्र है, अगर हमारे प्रतिनिधि सही काम नहीं करेगा तो हम उसको बदल देते हैं। अजी वो बात है, मैं आपको बात बताऊं, जिसके सिर जिम्मेदारी गिर जा, अब जब तक आदमी कुंवारा हो तो वो इतनी टेंशन नहीं लेता, जब उसकी शादी हो जा तो टेंशन बढ़ जा, फिर जब उसके बच्चे हो जा तो और बढ़ जा, तो वही काम है। जो जिसके पास सत्ता नहीं है उसके पास टेंशन नहीं, अब जिस पर सत्ता आ जाएगी वो टेंशन हो जाएगा, खुद ही काम करेगा। नहीं बहुत से प्रतिनिधि काम नहीं करते। सुनो यूपी के लेवल पर अगर हम बात करें तो जनता ने सरकार बदल दी ये कह के कि वो काम नहीं किया। देखो किसी आदमी की नज़रों में तो कुछ काम नहीं होते उसके, किसी के नज़रों में कुछ हो रहे किसी के नज़रों में नहीं हो रहे, तो सबके अपनी अपनी अलग अलग राय है, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी जिला शामली के कस्बा कैराना पे थे, यहाँ हमने अलग अलग जाके लोगों से बात की है, तो सभी लोगों का कहना है कि हम विकास के नाम पर वोट करेंगे। जुड़े रहे इसी से, यूपी से खबरें अब तक आती रहेगी। धन्यवाद। शामली।